एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं दतिया जिले में कांग्रेस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दतिया में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां महाराज घनश्याम सिंह सेवड़ा विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज कर रही हैं, वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेंद्र भारती पर कांग्रेस पार्टी का 20 लाख रुपए वापस नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की खजांची है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ राजेंद्र भारती के पास 20 लाख रुपए अतिरिक्त पहुंच गए हैं, आप उन पैसों को वापस निकलवाइए। ये कब की घटना है? ये इसी इलेक्शन 2018 की इलेक्शन की। कुछ 20 लाख रुपए कांग्रेस के प्रत्याशियों को पार्टी ने दिए थे। हमारे यहाँ दो राजेंद्र भारती, एक उज्जैन में है और एक यहाँ है, तो राजेंद्र उज्जैन वाले के पैसे भी इनके खाते में आ गए। तो जब पहले तो पार्टी वाले मांगते रहे, जब तक चुनाव चलता रहा तब तक मुझे पता भी नहीं था। जैसे चुनाव निपटे, जब मुझे उन लोगों ने बुलाया भोपाल, मैं भोपाल गया तो उन्होंने, हमारे गोविंद गोयल हैं खजांची, उन्होंने कहा कि अरे मुझे आपको इसलिए बनाना पड़ा कि ये राजेंद्र भारती के खाते में गलती से 20 लाख रुपए चले गए, वो वापस नहीं कर रहा है, ये पैसे आपको निकालना है। हम कभी निकाल देंगे, हम करेंगे बात, हर आदमी दे देगा। मैं कर समझता नहीं था कि ये देंगे नहीं, दुश्मनी मान जाएंगे, वो उससे वो दुश्मनी रखा था, मानते जाएंगे। अभी लॉकडाउन है तो हम लोग धरना प्रदर्शन आम सभा नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। आधिकारिक स्तर पर हम लोग सबसे मिले, सबको शिकायत दर्ज कराई, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के पास भेजी, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, उनको पत्र लिखा है, तो जो भी हो सकता है उसका विरोध हम कर रहे हैं। और लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग सड़कों पे भी आएंगे और विरोध करेंगे।